दिल्ली से लगभग 77 किलोमीटर दूर और मेरठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरदना कस्बा में, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, अपने आप में जाना जाता है एक मशहूर और ऐतिहासिक चर्च की वजह से। और उसी चर्च के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, और मेरे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो ऐतिहासिक चर्च है आपके सामने, जिस चर्च के बारे में आज मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा, आप तक कुछ खास जानकारी बताऊंगा। शायद ही आप लोगों को पता हो कि इस चर्च की स्थापना कैसे हुई, इसको कैसे बनाया गया और कितने समय पर यह तैयार हुआ। तो हम आपको बता दें कि इसका इतिहास कुछ इस तरह है कि इस चर्च को एक मुस्लिम महिला समरू बेगम ने बनाया था। उनको ईसाइयों का धर्म, यानी कि अगर हम कहें क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आई थी और क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट भी हुई। उसके बाद जो है उन्होंने इस चर्च की स्थापना का मन बनाया और लगभग आज से 200 साल पहले इस चर्च की शुरुआत हुई, नींव रखी गई। और हम आपको बता दें कि लगभग इस चर्च को बनाने में 11 साल का समय लगा था। किस तरह से उस वक्त काम किया गया था और उसके अंदर जिस जिस तरह की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हस्तियां रही हैं, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार और तमाम सेवाएं देने में अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उनकी स्मारक भी इस चर्च के अंदर मौजूद है। ऐसी दर्जनों स्मारक आप देख रहे हैं, उनकी नेम प्लेट भी नीचे लगी हुई है। हम आपको बता दें कि इस चर्च को देखने के लिए पूरी दुनिया से, देश से ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे तो इस चर्च के विषय में आपको कहीं ना कहीं गूगल पर जरूर मिल जाएगी। आज हम भी इस चर्च को विजिट कर रहे हैं और जब हम इस प्रांगण में आए तो हमारा बहुत मन को शांति मिली। बहुत शांत वातावरण है यहाँ पर, और हम आपको बता दें कि इसका प्रांगण काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसके प्रांगण में तमाम तरह के बागात लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाया हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ इस तरह की यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई हैं जिनको देखने से लगता है कि इस पर किस तरह की मेहनत की गई होगी, किस तरह का यहाँ पर वर्क किया होगा, और उस टाइम के जो आर्किटेक्ट रहे होंगे जिन्होंने डिज़ाइन करा होगा, डिज़ाइन बनाया होगा, उनकी क्या मेहनत रही होगी, क्योंकि 200 साल पहले टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी। चाहे अभी के वक्त में, और हम अपने इस वीडियो से अपील भी करना चाहेंगे पुरातत्व विभाग को कि काफ़ी चीज़ें हमें जर्जर हालत में भी इस चर्च की मिली, जिसको देखकर मन थोड़ा दुखी ज़रूर हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि इसकी बाहर आउटसाइड की जो बाउंड्री वॉल है उसकी जर्जर हालत है। के अंदर वॉच लगी हुई है इसकी मीनार में, जो कि काफ़ी गगनचुंबी के मीनारे हैं, लेकिन उन मीनारों के अंदर जो घड़ी लगी हुई है उन घड़ी की बिल्कुल जर्जर हालत है, वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अगर शायद इन घड़ियों का संचालन दोबारा से शुरू हो जाए तो अपने आप में ये अट्रैक्शन का पॉइंट बन सकता है। बेगम समूरू के बाद जो है इस चर्च की देखभाल करने के लिए उनके वंशज लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन एक समय सीमा, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का आना, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का चला जाना, लेकिन फिर उसके बाद हिंदुस्तानियों के ही तमाम नेताओं के, विभागों के, और स्पेशली अगर हम कहें तो पुरातत्व विभाग के अंडर में ये चर्च आता है, लेकिन पुरातत्व विभाग की कुछ लापरवाहियाँ भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस चर्च को अगर आप अगली बार देखने आए दो चार महीने बाद या साल भर बाद, तो शायद हो सकता है इस चर्च को आप और भी ज़्यादा खूबसूरत पाएं।